तो दोस्तों बात कर लेते हैं पीएफसी के स्टॉक के बारे में, यानी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। जान लेते हैं आगे इसमें क्या लेवल और क्या टारगेट्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा जब ये स्टॉक लगभग एक महीने पहले 550 रुपए के आसपास आया था, तब मुझे बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि मैम इस स्टॉक के बारे में बताइए, क्या इस स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। तब मैंने आपको स्ट्रिक्ट मना कर दिया था और बोला था स्टॉक में बाइंग अभी नहीं बनती हुई नज़र आ रही है, स्टॉक टूटेगा तब हम इसमें बाय करेंगे। और दोस्तों 450 रुपए के आसपास जब ये स्टॉक आया था, तब आपको याद होगा मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी, तब मैंने आपको इसमें बोला था कि इस समय स्टॉक में बाइंग बन चुकी है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है स्टॉक, तो इस स्टॉक को डेफिनेटली बाय करके अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना लीजिए। उस समय हमने आपको टारगेट दिए थे 550 रुपये के। आप देख सकते हो दोस्तों आज स्टॉक ने 580 रुपये का हाई लगा दिया है। जिस किसी ने भी उस समय वीडियो को देख करके पैसा लगाया होगा, उसने डबल ज़बरदस्त प्रॉफिट कमाया होगा। हमेशा अपनी वीडियो में मैं एक बात बोलती हूँ कि कभी भी बॉटम पर स्टॉक को कोई नहीं खरीद सकता और कभी भी टॉप पर कोई नहीं बेच सकता। हमें ज़रूरत है तो सिर्फ बाइंग के सही लेवल को पहचानने की और सही टारगेट पर स्टॉक को काटने की, तभी शेयर मार्केट में रहते हुए कम समय में ज़्यादा पैसा बनाया जा सकता है। अगर आप ये सोचेंगे कि हमने तो 560 पर स्टॉक को काट दिया और स्टॉक तो 580 रुपये तक चला गया, तो दोस्तों आपकी ही गलती रहेगी। कभी भी आपको उस चीज़ का अफसोस नहीं करना है, क्योंकि सो मैनी ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट एट एवरी टाइम। कोई भी सेक्टर अगर ऊपर जा रहा है तो ज़रूर कोई ना कोई सेक्टर गिरा हुआ भी आपको मिल जाएगा। तो जब किसी स्टॉक में प्रॉफिट बुक होता है तो उस समय पर हम ये देख सकते हैं कि अब अपॉर्चुनिटी कहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। अगर आप भी वैल्यूएबल स्टॉक्स के सही बाइंग लेवल और सही सेलिंग लेवल्स के बारे में लगातार अपडेट चाहते हैं तो चैनल को तुरंत कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।